एक बार एक बूढ़ी माँ को उसके बेटे ने एक वृद्ध आश्रम में ले जाकर छोड़ा। इस माँ का ये वही इकलौता बेटा था जिसके लिए इस माँ ने जीवन भर संघर्ष किया। इस बेटे के लिए वो सब कुछ किया जो एक माँ को करना चाहिए या माँ कर सकती है, और आज भी अपने बेटे को किसी भी तरह की परेशानी ना हो इसलिए आश्रम में रहने के लिए तैयार हो गई। वृद्ध आश्रम में रह रही माँ हमेशा अपने बेटे को याद करती, मगर बेटा केवल साल में एक बार उसको मिलने जाता या फिर फोन पर बात कर लेता। ऐसे करते करते कई साल बीत गए। वृद्ध आश्रम से बेटे को एक दिन फोन आया। उन्होंने कहा, बेटा जल्दी से आश्रम आके अपनी माँ से मिल लो, वो बहुत सीरियस है, उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब है। बेटा जब अपनी बीमार माँ के पास पहुँचा तब वह अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। बेटे ने अपनी माँ से उसकी आखिरी इच्छा पूछते हुए कहा, माँ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ बताओ। माँ ने कहा, बेटा इस आश्रम में गर्मी और मच्छर बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर कुछ पंखे लगवा देना। फ्रिज ना होने की वजह से यहाँ पर हम बूढ़ों को कई बार भूखे पेट ही सोना पड़ता है, क्योंकि किसी ने दिया हुआ खाना खराब होने से नहीं बचा पाते। तो इस आश्रम के लिए एक दो फ्रिज भी खरीद कर दे देना। बेटे ने अपनी माँ की सारी बात सुनी और अपनी माँ से पूछा, आपने इतने साल यहाँ पर निकाल दिए पर आपने कभी ये बातें मुझसे नहीं कही, और अब जब आपके पास टाइम ही नहीं बचा तब आप ये सब कह रही है, ऐसा क्यों? माँ ने बेटे को जवाब देते हुए कहा, बेटा मैंने गर्मी भूख और पीड़ा सहन कर ली, लेकिन मुझे पता है जब तेरे बच्चे तुझे यहाँ पर छोड़कर जाएंगे तब तो ये सब सहन नहीं कर पाएगा, इसीलिए तेरी सुविधा के लिए मैं तुझसे ये सब लगाने के लिए कह रही हूँ। दोस्तों, माँ की ये आखिरी लाइनें किसी भी बेटा या बेटी की आंखें खोलने के लिए सक्षम है। इतिहास हमेशा अपने आप को दोहराता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ अच्छा व्यवहार हो तो आपको भी दूसरों के साथ व्यवहार अच्छा ही करना पड़ेगा। और भी ऐसी वीडियोस को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।